आज का दिन बहुत शुभ है, देश के लिए आज का दिन बहुत शुभ है, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद प्रधानमंत्री जी चुप हैं। कल तक जो गीदड़ भभकी देने वाले थे, सात पुश्त का पाप निकाल दूंगा। क्यों जरूरत पड़ गया इतना जो ताप था आपको उसको शांत करने का? 82 दिन के सबसे लंबे चुनाव दौर में, देश ने इतना लंबा चुनाव लगभग 3 महीने का आज तक नहीं देखा था, लेकिन केवल और केवल इस देश को घृणा में बांटने के लिए, भय और संत्रास को कायम रखने के लिए, आम जनों के मूल मुद्दों को खत्म कर देने के लिए चुनाव आयोग ने जो कुत्सित प्रयास किया, 6 चरणों के बाद कल अंतिम चरण में भारत की प्रबुद्ध मतदाता मंडली उस पर अपना मुहर लगाएगी। कितने दिनों के बाद बड़े मतदान को छुपाना, व्यक्तिगत स्वार्थ रक्षा के लिए चुनाव आयुक्त ने जो अपने आंख मुंदे कान बंद किए, मुंह पर टेप सटाया, उनका प्रायश्चित का दिन भी 4 तारीख को होगा। उनको फेयर एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो संविधान ने दायित्व सौंपा था, उस दिन अपना दायित्व को पूरा कर उनके आज तक के किए गए पापों से वो मुक्ति पा सकते। जिन भाषा का अभी तक उपयोग किया गया, खासकर भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक, और अभी वर्तमान के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा भारतीय समाज में इतना व्यथित है, जो अन्याय उन्होंने की, जिस भ्रष्टाचार को उन्होंने बढ़ाया, जो राजनीतिक दुश्मनियां साधी, कमर के नीचे आघात किया, उसका माकूल जवाब अब जनता देगी। तो जनता जानती है कि इस परिपक्व लोकतंत्र में उसका फर्ज क्या है। इसलिए मैं अपनी पार्टी की ओर से, क्योंकि संथाल परगना में कल चुनाव होना है, ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, कोशिश हो कि 100% मतदान हो, जितनी भी भीषण गर्मी हो, लोगों को एक दिन के लिए अपने साथ पर्याप्त मात्रा में पानी लेकर वो बूथों तक जाए,
और अपना मतदान जरूर करें, क्योंकि यह चुनाव झारखंड के मूलवासी, आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर, महिला, युवाओं के अस्मिता का सवाल है, अपने हक और अधिकार का सवाल है। जिस प्रकार संथाल परगना में भाजपा का अहंकार बोलता है, अदानी का लूट मचा हुआ है, उसके खिलाफ वोट करना। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।